हेलो फ्रेंड, मैं अर्शद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। फ्रेंड, आप इसको अलग चैप्टर तो पहले समझने की गलती मत कीजिए कि ये स्पीड एंड डिस्टेंस से अलग चैप्टर है, क्योंकि इसमें भी आपका स्पीड का बात होगा, टाइम का बात होगा एंड डिस्टेंस का बात होगा। बस इसमें एक और पार्ट ऐड हो जा रहा है। जैसे हम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्टिंग में पढ़े, उसके बाद ट्रेन प्रॉब्लम हमने देखा, तो ट्रेन प्रॉब्लम में क्या ऐड हो जाता है आपका, तो ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सब ऐड होता है। उसी तरह से बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में क्या और ऐड होने वाला है, तो इसमें और ऐड होगा। इसमें भी आपका स्पीड ही नापा जाएगा, लेकिन ट्रेन और गाड़ी का नहीं, इसमें स्पीड नापा जाएगा आपका नाव का, बोट का, या फिर किसी आदमी के तैरने का स्पीड। तो तैरने के स्पीड में अलग अलग कंडीशन बनता है धारा की वजह से। यानी जब आप नदी में देखे होंगे कि नदी में जब धारा बहती है तो किस स्पीड से बह रहा है, तो उसमें एक पार्ट आपका और इंक्लूड हो जा रहा है इसमें, कि नदी की धारा है ना, नदी की धारा इसमें इंक्लूड हो जाता है आपका, जिसके वजह से कभी स्पीड घटता है तो कभी स्पीड बढ़ता है। अलग अलग केस में अलग अलग डिस्टेंस हो जाता है। जबकि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक नाव है आपके पास, तो वही नाव का जो कैपेसिटी है, जो स्पीड है उसका, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग हो जाता है। क्योंकि नाव का कैपेसिटी तो आपका सेम रहता है, जो उसका स्पीड है वो तो सेम रहता है, और वो अपनी ताकत से, अपने स्पीड से नाव चलता है, अपनी स्पीड से नाव को चलता है या फिर उसको चलाया जाता है उसके कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन फिर भी उसका स्पीड कम बेसी होते रहता है, किसके अनुसार, तो धारा के अनुसार। जैसे बात करें कि अगर ये आपका धारा है, अगर ये आपका धारा है इस पे, इसके ऊपर नाव चल रहा है। चलिए ये पहले धारा नहीं मानते, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये आपका नदी नहीं कोई तालाब है, झील है, मतलब स्टिल वाटर, ऐसे जगह है जहां पे जल शांत रहता है, मतलब वो बहता नहीं है, स्टॉक पानी है। अगर इसके ऊपर नाव को हम चलाते हैं तो नाव को चलाने के बाद क्या होगा, इसमें किसी तरह का कोई अलग से फोर्स नहीं लगेगा। जो नाव है वो नाव जब इस पानी पे चलेगा तो अपने कैपेसिटी के अनुसार चलेगा, इसे ना कोई रोकने वाला है और ना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर देकर के स्पीड बढ़ाने वाला है। लेकिन यही बात अगर बात करें कि ये धारा है और ये धारा इधर की तरफ बह रही है, तो बहने के बाद क्या होता है कि अगर ये नाव आपका है, ये नाव अगर धारा के साथ बह रहा है तो नाव का तो एक अपना चाल होगा, एक अपना स्पीड होगा, वो तो अपने स्पीड से चलेगा ही चलेगा। प्लस क्या है कि धारा भी इधर ही बह रहा है, मतलब धारा भी अपना फोर्स लगा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, नाव का जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या होगा, हमेशा बढ़ जाएगा जब धारा के साथ वो चलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हमने डिनोट किया है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ नाव की चाल। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब धारा के साथ नाव की चाल की बात करेंगे तो वहां पे मैं x से डिनोट करूंगा। अगर कहीं पे आपको x दिखाई दे, दैट मींस मैं बात कर रहा हूं कि धारा के साथ नाव की चाल की मैं बात कर रहा हूं। तो इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, स्पीड, और इसको ऐसे बोला जाता है जब ये धारा के साथ चल रहा है, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ नाव की चाल, है ना, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। यानी कि जो आपका जो बोट है वो डाउन की तरफ जा रहा है, मतलब जिधर आपका बह रहा है पानी उधर अगर जा रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा, और आपका हिंदी में लिखा रहेगा नदी के साथ नाव की चाल या बोट की चाल। क्लियर है। उसके बाद अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और इसके लिए मैंने डिनोट किया है, इसको हम लोग फॉर्मूला जब मैं इसका लिखवाऊंगा तो इसके लिए मैं एक्स से डिनोट करूंगा। आपको ये पार्ट आपको लिखने लेना है वीडियो को पॉज करके कि किसके लिए कौन सा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। तो धारा के साथ नाव की चाल के लिए मैंने क्या यूज किया, एक्स यूज किया, यानी डाउन स्ट्रीम में आपका नाव की चाल कितना हो जाएगा, तो एक्स, उसको मैं एक्स डिनोट करूंगा। उसके बाद अगर यही बात करें कि फिर से एक धारा ले लेते हैं,
और धारा अगर इधर की तरफ बह रहा है और नाव जो है इस बार क्या हो रहा है, इस बार नाव इधर की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, नाव का तो ओरिजिनल स्पीड जो होगा सो होगा ही, लेकिन जब नाव इधर आएगा और धारा इधर बह रहा है तो क्या होगा कि जो धारा है वो नाव को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से जो इसका ओरिजिनल स्पीड है वो बढ़ने के बजाय और क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग जो क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया जाएगा कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, क्या अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब आपका स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। तो उसके लिए मैंने जो वर्ड दिया है वो वर्ड क्या होगा आपका, वाई, है ना, वाई जहां पे शो करे दैट मींस आपका धारा के विपरीत वो जा रहा है, तो वहां पे उसके लिए एक अलग फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ये जो स्टिल वाटर में हम नाव चला रहे थे, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में ठहरे हुए पानी में नाव की चाल, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमने क्या नाम दिया, तो उसके लिए जहां पर आपको एसबी दिखाई दे, स्पीड ऑफ बोट जहां पे आपको एसपी दिखाई दे वो स्पीड ऑफ बोट होगा, इसमें ना ही धारा का धारा आपको रोकने का कुछ अलग से ऐड होगा और ना ही धारा को ढकेलने, धारा जो है आपको ढकेलेगा, मतलब प्योर स्पीड का बोट रहेगा, इसमें करंट का कोई काम नहीं है। करंट बोला जाता है आपका धारा की चाल को ही हम लोग करंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपका एसबी जहां पे डिनोट होगा वो आपका ओरिजिनल कैपेसिटी होगा नाव का, यानी शांत जल में नाव की चाल होगा। उसके बाद एक और पार्ट ले लेते हैं कि यहां पर धारा की गति भी एक बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि धारा की गति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धारा से, धारा की गति का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, धारा की गति के लिए क्या यूज करूंगा, तो एससी, जहां पे आपको एससी दिखाई दे दैट मींस स्पीड ऑफ करंट है, और जहां पे एसबी दिखाई दे वहां स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में, उसमें धारा का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जहां पे एक्स दिखाई दे वो डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल होगा, और जहां पे वाई दिखाई दे वहां पे क्या होगा, अप स्ट्रीम में यानी कि विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल की बात की जाएगी। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक्स मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल, वाई मतलब क्या, अप स्ट्रीम में यानी कि धारा के विपरीत नाव की चाल, उसके बाद एसबी मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, उसके बाद फिर क्या हुआ, स्पीड ऑफ करंट, है ना, एससी, एससी मतलब क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की चाल या धारा की गति आप यहां पे बोल सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं फॉर्मूला के, देखिए ये क्वेश्चन आपका प्योर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगे वो लगेगा वो वही फॉर्मूला लगेगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम भी बोल सकते हैं इसको। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे वही फॉर्मूला ही इसमें भी काम आएगा आपका, लेकिन इसमें अलग से केसेस के ऊपर फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है, तो हम लोग वो देखते हैं जो ये चार वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एसबी, एससी और एक्स एंड वाई, ये जो चार वर्ड दिखाई दे रहा है इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला आपका ऐड हो जाएगा जो ट्रिक के तौर पे हम लोग यूज करेंगे। तो आइए पहले हम इसकी फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, आइए देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहां पे जो फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था, ये जो चार वर्ड मैंने यूज किया है इसके फॉर्मूला की, यानी स्पीड, एसबी मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब धारा के, देखिए शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना है तो हमें क्या करना है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, यानी कि जब आपको शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो कौन कौन सा दो वर्ड यूज आपको मिलेगा, तो एक मिलेगा एक्स, एक्स मतलब क्या के, एक्स मतलब क्या आपका डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल यानी कि धारा के साथ नाव की चाल दिया रहेगा और धारा के विपरीत नाव की चाल दिया रहेगा, तो धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल। देखिए जब धारा के साथ नाव की चाल की बात करें तो धारा के साथ नाव की चाल वहां पे क्या होगा कि वहां पे नाव का भी चाल रहेगा और नाव का चाल भी रहेगा और उसके बाद धारा की भी गति रहेगा, तो पहले उसको भी लिख देंगे धारा के साथ नाव की चाल। तो धारा के साथ नाव की चाल में कौन कौन सा स्पीड इंक्लूड हो रहा है, तो
धारा की चाल भी इंक्लूड हो रहा है और नाव की चाल भी इंक्लूड हो रहा है, यानी नाव का जो अपना चाल है वो तो है ही, प्लस उसमें धारा की चाल और इंक्लूड हो जा रहा है, धारा की चाल और इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद उसमें ऐड क्या करना है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल की बात करें तो जो आपका धारा की गति पहले वाले में x में हम क्या कर रहे थे, धारा की गति भी इंक्लूड कर रहे हैं और धारा और नाव की भी गति इंक्लूड कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में क्या हो रहा है कि विपरीत दिशा में जो धारा का गति है वो तो नाव को रोकने की कोशिश करेगा, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा कि जो धारा है वहां पर माइनस हो रहा है आपका, तो स्टार्टिंग में प्लस किए और बाद में धारा की गति को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, धारा की गति को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो आपका माइनस हो जाएगा, तो वो तो क्लियर हो जाएगा। अब उसमें बच जाएगा क्या, अब उसमें क्या बच जाएगा आपका, तो धारा के विपरीत जो नाव का चाल चल रहा है, तो नाव का गति तो हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, वो तो माइनस नहीं हुआ, तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो आपका धारा का जो नाव का जो चाल है वो दो बार हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए यहां पे हम दो से डिवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एससी यानी स्पीड ऑफ करंट की, तो स्पीड ऑफ करंट में आपको क्या करना है कि हाफ इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल, एक्स मतलब क्या धारा के साथ नाव की चाल और वाई मतलब क्या धारा के विपरीत नाव की चाल, ये दोनों का डिफरेंस जो होगा दोनों को घटा करके अगर दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका स्पीड ऑफ करंट निकल जाएगा, यानी धारा की गति आपका निकल जाएगा। अब बात करते हैं एक्स की, एक्स मतलब क्या धारा के साथ नाव की चाल अगर निकालना है, तो धारा के साथ नाव की चाल अगर निकालना है तो इसमें क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नाव की चाल बन जाएगा डाउन स्ट्रीम में, यानी कि नदी के धारा के साथ, तो वहां पे क्या होगा आपका नाव का चाल और धारा का चाल दोनों को ऐड करना होगा। ठीक उसी तरह से अगर धारा के विपरीत नाव की चाल निकालना है तो धारा का जो नाव का ओरिजिनल चाल होगा उसमें क्या लेस होगा, तो जो धारा के विपरीत जो धारा जितना फोर्स से रोक रहा है वो आपका लेस हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ करंट यहां पे लेस हो जाएगा किसमें, स्पीड ऑफ बोट में जो उसका ओरिजिनल स्पीड है। तो इसमें जब हम धारा की गति को लेस करते हैं तो क्या निकल जाता है, धारा के विपरीत नाव की चाल निकल जाता है। क्लियर है फ्रेंड, तो इन्हीं चार फॉर्मूला के बेस पे ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, प्लस आपका ये जो फॉर्मूला हम लोग स्पीड एंड डिस्टेंस पे पढ़े थे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो ये फॉर्मूला तो आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में कि इन चारों फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है। पहले हम लोग स्टार्टिंग में उठाते हैं इन्हीं चार फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद बनाने में और भी मजा आएगा, क्वेश्चन को समझने में और भी मजा आएगा। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें इन्हीं चार फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। हालांकि बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है कि लोग इससे भागते हैं, कई लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन इसके लिए हम लोग ऐसा इजी ट्रिक बना दिए हैं बस इस चार फॉर्मूला को लेकर के कि इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप किसी भी बुक में उठा करके देखें तो इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। ये इस चैप्टर में एकदम साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एक आपका पार्ट ऐड हो जाता है धारा की गति, तो धारा की गति ये और ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड कर चुका है, तो इसको और ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी नाव की चाल धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आपको क्या निकालना है कि धारा की गति आपको निकालना है। अब यहाँ पे धारा की गति निकालना है यानी स्पीड ऑफ करंट निकालना है, तो स्पीड ऑफ करंट निकालना है, तो स्पीड ऑफ करंट के लिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट दिया गया है। यहाँ पे जब हम लोग देखें तो धारा के साथ नाव की चाल दिया गया है, यानी डाउनस्ट्रीम का यहां पे स्पीड दिया गया है, तो डाउनस्ट्रीम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, धारा के साथ नाव की चाल के लिए एक्स यूज करते हैं, और एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 21 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। उसके बाद धारा के विपरीत नाव की चाल दिया गया है, दैट मींस y का वैल्यू दिया गया है, y इक्वल टू कितना दिया गया है, 9 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, तो स्पीड ऑफ करंट फाइंड करना है, यानी धारा की गति फाइंड करना है, यानी s
एससी फाइंड करना है। तो एससी के लिए कौन सा फॉर्मूला हमने लिखवाया है, तो एससी के लिए हमने लिखवाया है 1/2 × x - y, जहां पे 1/2 × x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया है, और y का वैल्यू कितना दिया गया है आपका, तो 9 दिया गया है, सॉरी माइनस हो गया यहां पे। अब इसको सॉल्व कर दे तो 1/2 × 21 में से 9 गया, कितना हो जाएगा आपका 12, 2 से 2 छके 12, यानी कि आपका इस आधार पे, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे इस नाव का इसका धारा की गति क्या हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में 21 किलोमीटर प्रति घंटा नाव का चाल हो जाता है और अप स्ट्रीम में आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे स्पीड ऑफ करंट क्या है आपका, वहां पे जो स्पीड ऑफ करंट है वो स्पीड ऑफ करंट कितना निकलेगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी में क्वेश्चन की बात करें कि शांत जल में नाव की गति निकालना रहता, अगर निकालना रहता तो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। शांत जल में नाव का चाल, दैट मीन्स स्पीड ऑफ बोट यहां पे पूछा जा रहा है, इन स्टिल वाटर ठहरे हुए पानी में नाव की चाल अगर पूछा जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया है, 1/2 × x + y, यानी कि 1/2 और x प्लस y को इस बार जोड़ेंगे तो 21 और 9, 21 प्लस 9, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 1/2 × 21 और 9 कितना होगा, 30, यानी इस आधार पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नाव की गति कितना निकल जाएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव की गति है और ये धारा की गति है। अब देखिए सही बना है या गलत बना है, आप खुद से चेक भी कर सकते हैं कि नाव की गति और धारा की गति, नाव की गति और धारा की गति अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपका क्या मिलता है, तो नाव की गति मिलता है धारा के साथ, नाव की गति मिलता है। तो धारा के साथ नाव की गति के लिए क्या करते हैं हम लोग कि नाव की गति और धारा की गति को दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। देखिए 21 दिया हुआ था ना, ये आपका चेक भी हो गया। और अगर नाव के विपरीत, अगर नाव की चाल, नाव के धारा के विपरीत अगर नाव की चाल निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग कि नाव की गति में धारा की गति को लेस कर देते हैं, तो 15 में से 6 हो गया, कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा यहां पे, तो वो भी दिया गया है। दैट मींस आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो ये आपका, हालांकि सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा था, ये आपका अलग से ऐड किया हमने। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें कि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या है, तो नाव की चाल है धारा के साथ, यानी धारा के साथ नाव की चाल को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, तो x से डिनोट करते हैं, यानी x का वैल्यू यहाँ पे भी दिया गया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। फिर धारा के विपरीत नाव की चाल दिया गया है, यानी कि y का वैल्यू दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिर्फ हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, अगर ये नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में ये तो लिखना है नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि छोटे से बन जाएगा। अगर बात करते हैं यहां पे निकालना है धारा की गति नहीं निकालना, यहां पे आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल निकालना है, नाव की चाल आपको फाइंड करना है, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें, यानी शांत जल में नाव की चाल, दैट मीन्स स्पीड ऑफ बोट पूछा जा रहा है, और स्पीड ऑफ बोट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया है, 1/2 × x + y। तो ये भी आपको लिखना जरूरी नहीं है, अगर फॉर्मूला आता है तो आपको डायरेक्ट बस इतना लिखना था कि SB = क्या होगा, ये भी SB लिखना जरूरी नहीं है आपका, स्पीड ऑफ बोट चूंकि वो तो निकालना ही है आपको, ये वहां पे शो नहीं करना है कि आप कैसे बनाए हैं, आपको कम से कम समय में एग्जामिनेशन में बना के आ जाना है, वो आपका रफ शीट नहीं चेक करने जा रहा है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना होगा कि स्पीड ऑफ बोट निकालना है, और स्पीड ऑफ बोट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो 1/2 × x, x का वैल्यू आपको पता है 14 है, और y का वैल्यू आपका पता है कि 6 है। हालांकि ये भी लिखना जरूरी नहीं था, आप डायरेक्ट 1/2 × 14 और 6 जोड़ करके आप लिखते तो आपका आंसर आ जाता, तो इसमें स्टेप जितना हो सके काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसके आधार पे देखा जाए तो 1/2 × 14 और 6 कितना होगा, 20 होगा, यानी 2 × 20, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यह आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव की गति आपका निकल गया।
कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, नॉर्मली आपको ये करना है कि जब शांत जल में नाव की गति आपको निकालना है तो आपको पता है कि 1/2 में क्या मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों शांत धारा के विपरीत नाव की चाल और धारा के साथ नाव की चाल, ये दोनों को ऐड करके हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 और 6 20 होगा। बस आपको एग्जामिनेशन में इतना ही करना है, आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड? तो आइए हम लोग थोड़ा सा लेवल और, हालांकि ये सब क्वेश्चन आप इजी जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन आपका सीजीएल तक में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है स्पीड एंड आपका बोट एंड स्ट्रीम में। तो आइए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और देखते हैं कि 3 में आपको क्या मिलता है। फ्रेंड देखिए आपका क्वेश्चन ये क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको ध्यान होगा कि पिछला 2 क्वेश्चन हमने जो किया उसमें क्या इंफॉर्मेशन था। फिलहाल ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति ज्ञात करें। यहाँ पे धारा की गति ज्ञात करना है और धारा की गति ज्ञात करने के लिए यानी SC आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखवाया है 1/2 × x − y, ये हमने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। देखिए फ्रेंड पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था कि x का वैल्यू दिया जाता था, यानी कि धारा के साथ नाव की गति दिया जाता था और धारा के विपरीत नाव की गति दिया जाता था। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में SC ही ज्ञात करना था, धारा की गति ही ज्ञात करना था, तो उसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया गया था धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी धारा के साथ नाव की चाल दिया गया था दैट मीन्स x का वैल्यू दिया गया था और धारा के विपरीत नाव की चाल दैट मीन्स y का वैल्यू दिया गया था। लेकिन यहां पे जो वैल्यू दिया गया है वो किसका वैल्यू दिया गया है, तो यहां पे जो वैल्यू दिया गया है वो आपका शांत जल में नाव की चाल यानी SB का फॉर्मूला दिया गया है। SB का वैल्यू दिया गया है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। उसके बाद फिर दिया गया है विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी कि y का वैल्यू दिया गया है कितना, तो 2 किलोमीटर पर आवर ये आपका दिया गया है। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पे SB का वैल्यू दिया गया है और Y का वैल्यू दिया गया है, इस आधार पे आपको SC का वैल्यू निकालना है। तो इसको 2 तरह से निकाला जा सकता है। देखिए पिछला क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे थे उसमें धारा के विपरीत नाव की चाल और धारा के साथ नाव की चाल दिया जाता था, स्टिल वाटर का यानी शांत जल में नाव का चाल नहीं दिया जाता था, ठहरे हुए पानी में नाव का चाल नहीं दिया जाता था, लेकिन इसमें ठहरे हुए पानी में नाव की चाल यानी SB का वैल्यू दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि यहां पे हमें फाइंड करना है SC और SC का वैल्यू पता नहीं है क्योंकि ये फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 × x, x मतलब क्या, धारा के साथ नाव का चाल, तो क्या धारा के साथ नाव का चाल दिया गया है, नहीं दिया गया है। हाँ y का वैल्यू दिया गया है कि y का वैल्यू कितना है यानी धारा के विपरीत नाव की चाल कितना है, तो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पे अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो यहां पे इसका भी वैल्यू पता नहीं है और इसका भी वैल्यू पता नहीं है, सिर्फ इसका वैल्यू पता है, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे सिर्फ आप SC का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं। क्या SC का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जब आपको क्वेश्चन बनाना हो तो किस तरह से आप बनाएंगे, देखिए इन दोनों में से जो इंफॉर्मेशन में दिया गया है उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला को उठाएंगे, किसी भी एक फॉर्मूला को उठाएंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि SB का वैल्यू दिया गया है तो SB का फॉर्मूला लिखेंगे तब भी मेरा आंसर आएगा, और चूंकि Y का वैल्यू दिया गया है तो Y का भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके लिए भी आंसर आएगा। Y का वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़े समय आंसर आ जाएगा, लेकिन हम SB का फॉर्मूला अगर लेकर के चलते हैं तो थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, हल्का सा लेंदी जाएगा। आइए कैसे बनाना है ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले SB का वैल्यू दिया गया है तो SB का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की गति अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × x + y। ये फॉर्मूला हम इसलिए पुट किए क्योंकि इसका वैल्यू जो दिया गया था तो यहां पे इसका भी वैल्यू दिया गया है और y का भी वैल्यू दिया गया है, तो इनमें से किसी भी दो संख्या का अगर किसी भी दो का मान अगर दिया गया हो तो तीसरे का मान निकालना आसान है। लेकिन जब डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर रहे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा रहे थे जो हमको फाइंड करना है, तो उसमें दो का वैल्यू हमें नहीं आता है, तो जब दो का वैल्यू नहीं आता है तो तीसरे का वैल्यू आने से कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं है। सॉरी यहां पे कोई भी फायदा नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला उसी में पुट करेंगे, वैल्यू उसी में पुट करेंगे जिसका वैल्यू दिया गया है।
तो SB का वैल्यू दिया गया है, इसलिए SB के फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। यहां पे SB का वैल्यू कितना है, तो 4 है, और 1/2 × x का वैल्यू नहीं दिया गया है, और y का वैल्यू दिया गया है कितना, 2 दिया गया है। तो ये दो अगर इधर डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 = एक्स प्लस 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 में से 2 क्या होगा, घट जाएगा, यानी 6 निकल जाएगा। लेकिन हमें x का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें वैल्यू किसका निकालना है, SC का वैल्यू निकालना है। तो अगर SC का वैल्यू निकालना है आपको, तो SC का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 और x माइनस y, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6, x का वैल्यू 6 आ गया, और y का वैल्यू पहले से पता था कि y का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी कि 1/2 × 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 × 4, यानी SC का भी वैल्यू कितना होगा, तो 2 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी आपका आंसर, ये ऑप्शन आपका पिछले क्वेश्चन का ही रह गया है, ये ऑप्शन नहीं था, तो ये आपका निकल गया क्या कि 2 किलोमीटर पर आवर एससी का वैल्यू निकल गया। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं फ्रेंड, अगर डायरेक्ट पुट करना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, छोटे से में बनाना चाहते हैं, देखिए ये तो हमने क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन आपका यहां से शुरू हुआ। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो जो दो वैल्यू दिया गया है, आप उस वैल्यू के फॉर्मूला को लेकर के चले जिसमें एससी आता हो। हम एसबी लेकर के चले थे, तो क्या एसबी में एससी आ रहा है, नहीं ना, एससी बाद में निकालना पड़ा। लेकिन जब y की फॉर्मूला की बात करेंगे तो y का फॉर्मूला में SC आता है, तो हम क्यों ना y का फॉर्मूला लेके चले। तो अगर चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि y का वैल्यू दिया गया है तो y का फॉर्मूला लेके चले, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, तो SB प्लस SC होता है, SB माइनस SC होता है, ये y का फॉर्मूला होता है। तो y का वैल्यू दिया गया है 2 किलोमीटर पर आवर, और SB का वैल्यू आपको पता है, तो SB का वैल्यू पता नहीं है आपको, और SB का वैल्यू पता है, शांत जल में नाव का गति आपको पता है कि 4 किलोमीटर पर आवर है, SB का वैल्यू पता है, और SC का वैल्यू पता नहीं है, SB का वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर ये SC आपका इधर आ जाएगा तो SC आपका माइनस से प्लस में हो जाएगा SC, और 2 इधर अगर आएगा तो 2 क्या होगा, माइनस में होगा, यानी 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो 2 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्ट आपका इसका छोटे सा में आपका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको वो फॉर्मूला लेकर के चलना है, जिसमें जो 3 वर्ड आपका आ रहा है, तो 3 में से 2 का वैल्यू दिया गया है। तो हमने y को लेकर के चला तो y का वैल्यू भी दिया गया है, और SB का भी वैल्यू दिया गया है, 2 वैल्यू दिया गया है, तो तीसरा वैल्यू आपको निकालना आसान हो गया। लेकिन 2 चूंकि यहां पर, तो इसमें भी 2 का वैल्यू दिया गया था, इसमें भी SB का वैल्यू दिया गया था, और आपका y का वैल्यू दिया गया था, लेकिन कैसे समझेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लेकर के चले या ये वाला फॉर्मूला लेकर चले। तो फ्रेंड 2 वैल्यू उसमें दिया रहे, उसके फॉर्मूला में जो 3 वर्ड आ रहा है उसमें से 2 का वैल्यू दिया रहे, और तीसरे का जो वैल्यू नहीं दिया है वो आपको निकालना है, ज्ञात करना है। जैसे तीसरे का वैल्यू, यानी कि एससी का वैल्यू नहीं दिया गया है और क्वेश्चन में एससी का ही वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है वो फॉर्मूला में रहना चाहिए, तब आपका एकदम इजी वे में बनेगा। तो इसी के साथ हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4th आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या है, धारा के साथ नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि आपका कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी चाल, तो धारा की चाल। अब आगे आपको निकालना क्या है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल निकालना है, धारा के विपरीत नाव की चाल निकालना है। तो धारा के विपरीत अगर नाव की चाल निकालना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन किसका किसका दिया गया है। तो धारा के साथ नाव की चाल, दैट मींस एसबी का वैल्यू दिया गया है कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। उसके बाद किसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, यानी एससी का वैल्यू दिया गया है। एससी का वैल्यू क्या है आपका, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। इस आधार पर आपको निकालना क्या है कि, तो धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी कि आपको वाई का वैल्यू निकालना है कि वाई इक्वल टू क्या होगा। देखिए धारा के साथ नाव की चाल दिया गया है, तो धारा के साथ नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और सॉरी धारा की गति यहां पे दिया गया है, यानी कि स्पीड ऑफ करंट दिया गया है यहां पे, हां सही है, स्पीड ऑफ करंट दिया गया है। एससी का वैल्यू दिया गया है कितना, तो एससी का वैल्यू दिया गया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस आधार पे आपको निकालना है फ्रेंड
कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन अगेंस्ट स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी। तो आपको निकालना है बेसिकली y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए y का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है कि जब हम SB में SC को माइनस करते हैं, SB में SC को माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, तो वो मेरा अगेंस्ट स्ट्रीम का वैल्यू आता है। तो यहां पे धारा के साथ नाव की चाल, सॉरी यहां पे x का वैल्यू आपका दिया गया था, स्टिल वाटर का वैल्यू नहीं दिया गया था। धारा के साथ नाव की चाल कितना है, यानी कि धारा के साथ को हम लोग क्या मानते हैं, x मान करके चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, अगर वहां पे आपका SB का वैल्यू दिया रहता तो दोनों को घटा देते आंसर आ जाता, लेकिन यहां पे क्या दिया गया है, धारा के साथ नाव की चाल दिया गया है, यानी स्पीड ऑफ बोट सिर्फ नहीं दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट प्लस और क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है, यानी दोनों को मिक्स करके जो होता है आपका x जो वैल्यू बोला जाता है तो आपको वो दिया गया है यहां पे। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y इक्वल टू व्हाट। तो अगर y इक्वल टू हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, तो SB माइनस SC होता है, जहां पे y का भी वैल्यू आपको पता नहीं है और SB का भी वैल्यू पता नहीं है, तो डायरेक्ट सिर्फ SC का वैल्यू पता है, तो क्या सिर्फ SC का वैल्यू पुट करने से यहां पे y का वैल्यू आ जाएगा जो आपको निकालना है, नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा। तो y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था कि आप वैसा फॉर्मूला यूज कीजिए जो वैल्यू दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है उसके फॉर्मूला को पुट करें। लेकिन अगर ज्यादा आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से उसका फॉर्मूला पुट कीजिए जिसमें y आता हो। अगर x की फॉर्मूला की बात करें तो x का फॉर्मूला क्या होता है, तो SB प्लस SC, तो x का फॉर्मूला सभी बनेगा, वो भी मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन यहां पे क्या y आ रहा है, यहां तो बस ये आ रहा है x इक्वल टू SB प्लस SC आ रहा है, x का वैल्यू दिया गया है और SC का भी वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तो SB का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन हमें SB का तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें SC का वैल्यू चाहिए, तो सॉरी हमें y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू कहां से मिल सकता है, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें y आता हो। तो यहां पे हम SC का भी वैल्यू दिया गया है, तो क्यों ना SC का वैल्यू फॉर्मूला पुट किया जाए, क्योंकि SC का वैल्यू आपको दिया गया है और SC का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहां पे y का वैल्यू आपको निकालना है, तो y भी इसमें आ गया और बाकी दो का वैल्यू भी दिया गया है, यानी x का भी वैल्यू दिया गया है और SC का भी वैल्यू दिया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप डायरेक्ट y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो SC का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर और 1/2 इधर है, और x का वैल्यू दिया गया है कितना, 15, प्लस y का वैल्यू आपको पता नहीं है। बताइए ये दो इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो डेढ़ को दो से गुना करेंगे तो डेढ़ दुना कितना होता है, 3 होता है, इक्वल टू 15 प्लस x y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, y का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, माइनस होता है ना SC का वैल्यू में, यहां पे माइनस होगा आपका, तो y को इधर ले आएंगे तो y प्लस में आपका हो जाएगा और 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। 12 किलोमीटर पर आवर आपका क्या, किसका वैल्यू निकल जाएगा, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर ले। अगर हम अब देखेंगे हम लोग कि अगर हम यहां पे SC का फॉर्मूला ना लेकर के अगर x का फॉर्मूला, चूंकि x का भी वैल्यू गिवन है, अगर x का वैल्यू लेकर के हम लोग चलते तब ये क्वेश्चन कैसे बनता, देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता। अगर x का वैल्यू हम लेकर के चलते हैं तो चूंकि x का फॉर्मूला में आपका y नहीं आता है, x का फॉर्मूला में y नहीं आता है, इसलिए एक दो स्टेप आपका इसमें बढ़ जाएगा। यहां पे अगर हम x का फॉर्मूला की बात करें तो x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी धारा के साथ नाव की गति बराबर क्या होता है, तो धारा के साथ नाव की गति में धारा की गति को जब हम लोग लेस करते हैं तो किसका वैल्यू निकलता है, तो धारा के साथ नाव का गति आपका निकल जाता है, यानी x इक्वल टू क्या आपको पता है, तो x इक्वल टू पता है कि दोनों को ऐड करते हैं तो आपको पता चलता है, तो SB प्लस SC, तो यहां पे x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 15 दिया गया है, SB का वैल्यू आपको पता नहीं है और SC का वैल्यू आपको पता है कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है, तो इस आधार पे SB का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 15 में से हम डेढ़ को घटा देंगे, तो 15 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं घटाना है, यहां पे एक में से आधा घटाना था, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, 13.5 होगा, यानी SB का वैल्यू कितना हो गया, 13.5 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, y निकालना है, तो जो निकालना है उसके फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, y इक्वल टू क्या होता है, तो SB माइनस SC होता है, जहां पे SB का भी वैल्यू आपको पता चल गया है, SB का वैल्यू कितना है, 13.5 है, माइनस SC का वैल्यू आपको पहले से पता था कितना है, 1.5 है, तो जब आप इसको लेस करेंगे तो कितना होगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। तो इसमें ये एक स्टेप आपका बढ़ जाता है।
तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखें कि जो दो वैल्यू दिया गया है इन्हीं दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को लेकर के हमको चलना है। लेकिन किसका फॉर्मूला को लेकर चले, तो जो हमें ज्ञात करना है, जो हमें निकालना है, जो फाइंड करना है उसका वैल्यू, जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है वो वर्ड आपका इन दोनों में से जिसका फॉर्मूला में आता है उसमें पुट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, तो x इक्वल टू होता है sb प्लस sc होता है। तो sb प्लस sc जब हम फाइंड करेंगे तो यहां पे हमें y का वैल्यू निकालना था ना, तो ना यहां y है ना यहां y है ना यहां y है, तो दूसरा हम किसका फॉर्मूला पे मेरा ऑप्शन बच जाता है sc का फॉर्मूला में पुट करने। तो sc का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि sc का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो sc का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 * x - y होता है। तो यहां पे आपका sc का भी वैल्यू दिया गया है और x का भी वैल्यू दिया गया है, तो डायरेक्ट अगर इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? तो आज के साथ हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में वोट एंड स्ट्रीम का और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।